आज ना पेंट ब्रश से पेंटिंग नहीं करेंगे। तो किससे पेंटिंग करोगी? सो आज मैं ना फिंगर्स का यूज करके पेंटिंग करने वाली हूँ। व्हाट? ये तो बहुत ज्यादा क्रेजी ही हो गया। हाँ, थोड़ी सी क्रेजी है और बहुत ज्यादा मजेदार भी होने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hi buddies, what's up? It's Bonnie and welcome back to my channel. So, आपको तो पता ही है आज मैं फिंगर्स का यूज करके पेंटिंग करूंगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि फिंगर्स से पेंटिंग मैंने कभी नहीं किया है। पेंटिंग कैसा होगा कोई भी आइडिया ही नहीं है। एनीवेज अब पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं। पेंटिंग के लिए मैं आज कैनवस पैड का यूज कर रही हूँ। ये देखिए मेरी राधा कृष्णा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो भी जरूर देखना। एनीवेज मैं आज एकदम सिंपल सी पेंटिंग करूंगी क्योंकि अगर मुश्किल पेंटिंग करूंगी तो पेंटिंग खराब भी हो सकता है और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। एनीवेज मैं पहले स्काई बनाऊंगी। स्काई के लिए मैं पहले अल्ट्रामरीन ब्लू कलर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और देन मैं लाइट ब्लू कलर को अच्छे से अप्लाई करते जाऊंगी। मैं यहाँ पर एक प्यारी सी ग्रेडियंट स्काई बना रही हूँ। ग्रेडियंट स्काई को और भी ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट कलर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। देखा कितना ग्रेडियंट जैसा शेड आया है। एनीवेज किस किस को ब्लू स्काई बहुत ज्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो ना ब्लू स्काई बहुत ज्यादा पसंद है। एनीवेज कैसे तैसे करके मैंने स्काई को तो अच्छे से कंप्लीट कर दिया है बट पेंटिंग अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आधे से ज्यादा पेंटिंग बचा हुआ है। मुझे तो काफी डर लग रहा है कि पेंटिंग कैसा होगा। चलो देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। सो हम नीचे वाला पार्ट यानी ग्राउंड की पेंटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर एक ग्रासी लैंड बनाऊंगी क्योंकि ब्लू स्काई के साथ ना हरा भरा मैदान बहुत जचता है। सो मैं यहाँ पर ग्रीन की बहुत सारी अलग अलग शेड्स अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सैप ग्रीन कलर को अच्छे से अप्लाई करूंगी देन मैं ग्रीन की लाइटर शेड्स को अच्छे से अप्लाई करते जाऊंगी। लास्ट में लेमन येलो कलर को अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं सारी की सारी कलर्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से मर्ज कर दूंगी। नेक्स्ट मैं व्हाइट एक्रेलिक कलर से स्काई में क्लाउड्स बना दूंगी फिंगर्स की हेल्प से क्योंकि ब्लू स्काई में व्हाइट क्लाउड्स ना बहुत ज्यादा सुंदर और क्यूट लगते हैं। और लास्ट में डार्क ग्रीन कलर से बुशेस ऐड करने के बाद फाइनली हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। पेंटिंग की तरह मेरे हाथ भी बिल्कुल कलरफुल हो गई है। मुझे लगा था कि पेंटिंग बहुत ज्यादा घटिया बनेगा बट ये पेंटिंग उतना भी बुरा नहीं बना है। हाँ ये सही है कि ये पेंटिंग उतना सुंदर नहीं बना है। एक्चुअली ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था जो कि मैंने पहले ही बताया है। पेंटिंग हमेशा सुंदर होगा ये सोचना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि गलती से ही हम इम्प्रूव करते हैं और पेंटिंग में तो इतनी गलती चलती ही है। पेंटिंग तो काफी अच्छी बनी है। थैंक्स अ लॉट। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय एंड बी क्रिएटिव।